चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट एग्जाम सेंटर की अनियमितताओं को लेकर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं। इनको लेकर एमसीसी की काउंसलिंग में डिले हो रहा है। इसके साथ ही पीजी एडमिशन में ओबीसी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी हियरिंग है वो 24 नवंबर 2021 को होनी है। जब 12 सितंबर 2021 को नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें एग्जाम सेंटर पर कुछ रूल्स की अनदेखी की गई। इसी के चलते एक दिव्यांग लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। उसमें कहा गया था कि मुझसे नीट आंसर शीट छीन ली गई। छात्रा की मांग थी कि उन्हें 1 आवर्स जो पीएच कैंडिडेट को एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया और उसकी आंसर शीट छीन ली गई। छात्रा ने इसकी भरपाई के लिए मांग की थी कि या तो उसकी परीक्षा दोबारा से करवाई जाए या फिर रॉन्ग आंसर में ग्रेस मार्क्स दिए जाएं या नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाए। तो इस पर एनटीए की तरफ से जो अधिवक्ता थे रुपेश कुमार, उन्होंने कहा कि एनटीए सिर्फ परीक्षा आयोजित करवाता है और जो ऑन ग्राउंड क्या होता है उस पर उसका कंट्रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने जो प्रवेशक हैं उनको वेबिनार आयोजित किया था, उनको ट्रेनिंग दी थी, लेकिन फिर भी ऑन ग्राउंड जो स्थिति रही है कभी कभी असहनीय होती है। तो उन्होंने कहा कि परीक्षा का जो रिजल्ट है अभी अनाउंस हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि एक उम्मीदवार के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करना या उससे ग्रेस मार्क्स देना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद पूरी मेरिट लिस्ट चेंज हो जाती है। तो इस पर कोर्ट ने यह है माना है कि 16 लाख छात्रों की परीक्षा में इस बार शामिल हुए हैं, तो ऐसे में एक छात्र की परीक्षा फिर से करवाने का आदेश देना उचित नहीं है। मतलब कि हम इस स्टूडेंट की एग्जाम दोबारा कंडक्ट नहीं करवा सकते। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा है कि एनटीए को परीक्षा केंद्रों पर ऑन ग्राउंड मौजूद अपने जो पर्यवेक्षक हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उन्हें जो दिव्यांग छात्र हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार की एक ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसके साथ ही उनका जो ब्राउचर है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया जाता है, उसमें भी एक इस प्रकार का स्पेशल सेगमेंट होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, जिसमें कि किस प्रकार से विकलांग छात्रों के साथ में क्या फैसिलिटी दी जाए ये उसमें मेंशन होना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। ये भी कहा है कि जो प्रवेशक हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था नीट स्टूडेंट के रिगार्डिंग। ये एक इन्फॉर्मेशन थी। काफ़ी स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि एमसीसी की काउंसलिंग क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, तो ये भी इसका एक कारण है, क्योंकि कहीं कहीं पर किसी किसी हाई कोर्ट में अभी भी इसके रिगार्डिंग केस चल रहे हैं। तो ये जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगी, एमसीसी की काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।